क्या राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में दिखेगी विपक्षी एकजुटता? क्या इफ्तार पार्टी के बहाने दोस्ती का टेस्ट लेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इफ्तार पार्टी देने वाले हैं। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद ये उनकी पहली इफ्तार होगी। राहुल गांधी की इस इफ्तार पार्टी के लिए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पार्टी से विपक्षी एकजुटता की जमीन भी तैयार हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की रोजा इफ्तार पार्टी के लिए राहुल गांधी ने एसपी, बीएसपी, एनसीपी, आरजेडी, लेफ्ट मोर्चा, जेडीएस समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया है। हालांकि रामविलास पासवान जैसे एनडीए के उन नेताओं को न्योता नहीं दिया गया जो पहले यूपीए सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि पहले ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस उन नेताओं को भी न्योता दे सकती है जो पहले उसके साथ ही रह चुके हैं। इस बीच जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस की इस इफ्तार में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन पटना में आरजेडी की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि उनके प्रतिनिधि के तौर पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा शामिल होंगे। वहीं जेडीएस की ओर से दानिश अली और एनसीपी की ओर से तारिक अनवर के शामिल होने की संभावना है। बाकी विपक्ष के नेताओं के शामिल होने को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष को एकजुट करने को लेकर कांग्रेस की ओर से इस तरह की कवायद की गई हो। इससे पहले भी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपने आवास पर विपक्षी दलों के नेताओं के लिए डिनर पार्टी का आयोजन कर चुकी हैं। हालांकि राहुल के लिए विपक्ष को एकजुट करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब विपक्ष के कई नेता 2019 में विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश में हैं। ऐसे में अब देखना है कि राहुल के बुलाने पर विपक्ष के कौन कौन नेता एकजुट होते हैं। इस पर सभी की नजर है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।